हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन ई सेवा। तो यहाँ पे ई सेवा में कैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट करना है, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको जीमेल के थ्रू बताऊँगा, तो जीमेल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी में डाल के दिखा देता हूँ। तो इस ईमेल आईडी पे आपको अपना ईमेल सेंड करना है, csd@esewa.com.np। इसके बाद यहाँ पे कंपोज ईमेल पे क्लिक करके नेम का कॉलम लिखना है, और उसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर या फिर ओल्ड नंबर का कॉलम लिखना है, और उसमें आपको पुराना वाला नंबर डालना है जो ऑलरेडी आपका ई सेवा में है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके न्यू नंबर का कॉलम आपको लिखना है। न्यू नंबर के कॉलम में आपको वो नंबर डालना है जो आप चेंज करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट कॉलम यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। यहाँ हम लिखेंगे प्लीज़ चेंज माई मोबाइल नंबर इन ई सेवा। इतना आपको यहाँ पे लिखने के बाद ऊपर सब्जेक्ट में लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट। ये सब कुछ होने के बाद ईमेल आपको सेंड करना है, लेकिन सेंड करने से पहले यहाँ पे ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक होगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो यहाँ पे ई सेवा में आपका मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ध्यान से पूरा ईमेल चेक करने के बाद और अपना नंबर चेक करने के बाद यहाँ पे ब्लू जो एरो आइकॉन दिख रहा होगा आपको सेंटर में, वहाँ पे आपको क्लिक करके अपना ईमेल सेंड कर देना है ई सेवा को। यहाँ पे सेंड करने के बाद कहाँ जाना है और सेंड के ऑप्शन में चेक करना है, ये भी आपको बता देता हूँ। थ्री लाइन पे क्लिक करके, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ईमेल चेक कर सकते हैं कि सेंड हुआ है या नहीं। सेंड हो जाएगा तो कुछ देर के बाद ई सेवा की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा 5-10 मिनट के बाद कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स लगेंगे यहाँ पे आपको नंबर चेंज या फिर अपडेट होने में। तो दोस्तों, ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से ये ऑप्शन आपका वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन ट्राई करना है। यहाँ पे आपको ई सेवा के कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। ई सेवा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा आपको। वहाँ पे कस्टमर केयर के साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं और कॉल पे भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कस्टमर केयर से नंबर चेंज और अपडेट करने का प्रोसीजर पूछना है, जो प्रोसेस आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। वहाँ से भी आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि ई सेवा में आपका मोबाइल नंबर चेंज और अपडेट हुआ या नहीं, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।